नवोदित सिंगर मॉडल एंजल राय का पहला सॉन्ग वीडियो जब छाए मेरा जादू मुंबई में धूमधाम से लॉन्च हुआ। आपको बता दें कि 4.5 मिनट के इस वीडियो को लॉन्च किया है सुप्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी सारेगामा ने। गाने की लॉन्चिंग के बाद पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए एंजल ने बताया कि आशा भोसले के गाने को नए अंदाज में गाना और उस पर अभिनय करना एक चुनौती भरा काम था। लॉन्चिंग के अवसर पर श्रवण झांझरिया, समीम जी उजाला जी और सिनेमेटोग्राफर गौरव राय भी मौजूद थे। इस पर देखिए खबर इंडिया की खास खबर। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं था कि हमने कोई प्रिपरेशन करी थी और बिल्कुल अचानक से हुआ था सब, और प्रिपेयर तो हमने बिल्कुल नहीं करा था, बस कैमरे के सामने आए और सब कुछ हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली वंडरफुल एक्सपीरियंस था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई से हटके एक बीच साइड पे जाके हमने शूट किया, एक तरीके से एक म्यूजिक वीडियो में हाउ टू एक्ट एंड ऑल। तो डायरेक्टर सर हमारे अभिषेक सर प्रेजेंट यहाँ पे, बट ही गाइडेड अस सो वेल, सो इट वाज वेरी वंडरफुल। गाना जो है रिक्रिएट किया गया, तो इससे पहले वाला गाना सुना था और कुछ मतलब इंस्पिरेशन ली थी उससे कि मतलब ऐसे परफॉर्म करना है या फिर ऐसा कुछ? हाँ, गाना रिक्रिएट किया गया और शूट हुआ और रिकॉर्डिंग भी फिर से हुई थी। और पहले रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो बहुत वैसा था कि बहुत आराम से गाया हुआ था और हमें चाहिए था कि पार्टी सॉन्ग थोड़ा आए इसके अंदर, तो हाँ हमने उससे इंस्पिरेशन ली थी और कि हमें थोड़ा और अपनी तरफ से और ऐसे मूड में जाकर गाना चाहिए। और रीशूट हुआ था, तो रीशूट इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ करप्ट हो गई थी फाइल्स, तो उस शॉट के लिए हमने फिर से लगाना था, तो इसलिए रीशूट किया हमने वो। एंजल, सवाल ये है कि ये ओरिजिनल जो गाया है वो आशा भोसले जी ने गाया है और आपका ये फर्स्ट सॉन्ग है, और आपने खुद क्यों चुना इस गाने को, आशा भोसले जी के गाने को ही क्यों चुना, आप किसी और गाने को भी रिक्रिएट कर सकते थे? एक्चुअली ये आशा जी ने बहुत अच्छे से गाया है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, सो और मैंने इसे गाने की कोशिश की है और एक नए ढंग से गाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आए वो। विकास, विकास सिंगर होना एक अलग चीज है और उसमें परफॉर्म करना अलग चीज है, आखिर सिंगर होते हुए डिसाइड क्यों किया कि भाई हमें अब परफॉर्म भी करना है इस पे? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, इसमें टोटल पहले म्यूजिक प्रोडक्शन एंड ऑल सारी चीज़ें हो गई थी, बट उसके बाद कुछ मेरे को बोला कि कंपोजिशन इसमें कुछ करनी है, तो मैंने सॉन्ग के हिसाब से बीच में हमें जो लगा कि हम कंपोज कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, तो वी एडिट इट एंड हमारे पास अच्छा रिजल्ट आया फाइनली। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, आशा भोसले जी तो मेरे लाइक वेरी इंस्पिरेशनल सी शी इज़ फॉर मी, तो उनके तो मतलब सॉन्ग को इट इज़ लाइक आई एम वेरी ओब्लाइज कि एक्चुअली मेरे को काम करने का मौका मिला इस सॉन्ग में इन अ न्यू रिफ्रेश ट्रांस वे, तो बस इट वॉज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस इन दैट। एंड सेकेंडली जो वीडियो के बारे में बताऊँगा, एज इन कोई मेरे को स्टार्टिंग से प्लान नहीं था कि वीडियो में हमें कुछ करना है, मतलब एक्ट भी करना हो, बट एनी हाउ मैंने कुछ अपने आप कह सकते हैं कि म्यूजिक वीडियोज ऑलरेडी थोड़े बहुत किए थे एक्ट के साथ, तो दे लाइक द परफॉर्मेंस एंड ऑल इन दिस वीडियो ऑल्सो, तो दे टुक मी, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। सॉन्ग थोड़ा थोड़ा अगर आप दोनों सुनाएं हमें तो प्लीज़ लाइक है। हम लोग की नरमी हूँ मैं, शोलों की गर्मी हूँ मैं, हम लोग की नरमी हूँ मैं, शोलों की गर्मी हूँ मैं, तूफानों की हलचल हूँ, हवाओं का अचल हूँ मैं, जो ढूंढे वो पाए, फिर भी हाथ न आए, हाय जब छाए तेरा जादू कोई बच ना पाए। प्रिया प्रिया आखिरी सवाल चलते चलते अपना एंजल 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 आप रातों रात स्टार हो गई हो, रातों रात स्टार हो गई हो, और प्रिया प्रकाश का आपने वीडियो देखा,
और क्या उस तरीके का आप एक्टिंग कर सकती हो या एक्सप्रेशन दे सकती हो जो विंग्स वाला आपने देखा होगा वीडियो, क्या कुछ कहना चाहती हो? एक्चुअली मैं आईब्रो नहीं हिला सकती प्रिया प्रकाश जैसा, और एक्सप्रेशन कैसे चाहिए आपको? मतलब अब ये मेरा कैमरामैन है, उसको वो विंग्स करके करिए देखे, होता है क्या? ये मेरा कैमरामैन इसको नहीं मारे, नहीं मारे क्या? किसको? किसी को भी, कोई जो इधर खड़ा है कोई? एज ए मदर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल से सारे कामा जैसे बड़े ब्रांड ने उसको लॉन्च कर दिया अपने चैनल के थ्रू, तो ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत मैं कहती हूँ बड़ी अचीवमेंट है, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो बचपन से इसमें ये टैलेंट था सिंगिंग, आपने कैसे रियलाइज किया कि ये सिंगर बन सकते हैं? हाँ, वो छोटी उम्र से ही गाती थी, ये कोई बड़ा नहीं था, मतलब जब छोटी थी तभी से गाती थी, तो मुझे लगा कि या शी इज गुड इन सिंगिंग। सर आप अपना कीमती वक्त निकाल के क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं एंजल के? हर तरीके से हम जो है एंजल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, जो हम चाहेंगे जो है बहुत बुलंदियों तक ये जाए। और मैम ये कहना चाहूँगा कि सारे काम जैसे ब्रांड पहले ब्रांड से रिलीज हो रहा है, तो ये कितनी फायदे की बात होगी जब ये पूरी तरह से मार्केट में आएगा? देखिए ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्मली, आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड चल रहा है कि लोग यूट्यूब से खुद के वीडियो बना के डाल सकते हैं, हम भी डाल सकते थे, बट मुझे ये लगा कि नहीं, हमारा वीडियो ऐसा है कि किसी बड़े ब्रांड से अगर लॉन्च होगा तो ज़्यादा लोगों तक जाएगा, क्योंकि उनके कई सारे टाई अप्स होते हैं जो हम एज ए इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। तो सारे गामा से इनके लिए मैं शमीम जी को थैंक यू करूँगी कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया और सारे गामा जैसे बड़े ब्रांड से हमारा हमें वो कराया, और इनके थ्रू हमारा मतलब पूरा ये गाना सारे गामा तक गया। हालांकि हमने कोई कॉपीराइट नहीं लिया था गाने का, तो मुझे कहीं डर था कि सारे गामा क्लेम ना करे कि विदाउट कॉपीराइट आपने कैसे हमारा गाना लिया, बट उन्होंने देखा तो उन्हें खुद पसंद आया, उनकी मेल आई कि नहीं हम लोग बहुत खुश हैं और आपने हमारे गाने को दोबारा से जिंदा किया है, तो हम इसे लॉन्च करेंगे। तो सारे गामा को जो सपोर्ट करती है नए कलाकार को क्या आधार होता है? एक्चुअली मैं पहले सारे गामा में काम करता था, सो अभी मेरी खुद की कंपनी है टू ड्रीम्स, जो एंजल के लिए हम लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है, और चूंकि सारे गामा मुझे काफ़ी मानती है, तो जब ये गाना रीटा ने मुझे सुनाया और दिखाया, और असली मुझे आवाज़ तो अच्छी लगी, और जिस तरह तो शूट किया गया था मतलब काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन किया कि ये हमारा एक गाना है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार उसको देखो। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। प्रोसेस होता है अगर रिक्रिएट किया जाता है गाना, क्या प्रोसेस होता है उसका? ये सवाल आप मुझसे करें? आपसे, आपसे। हाँ, ये प्रोसेस एक्चुअली क्या है कि आप जब सिंगर अपना कोई गाना कवर पेज गाता है, सो वो अगर एक अच्छी कंपनी उसको सुनती है और वो अगर उनको पसंद आता है ना, तो ऑनेस्टली वो खुद न्यू टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि किसी अच्छे बड़े बाप के बेटे ने गाया तो हम उसे लॉन्च करेंगे। सारे गामा जैसी कंपनी ऐसी है कि अगर नया टैलेंट अच्छा कर रहा है तो उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी पर्सनल, मैंने वहाँ काम किया इसलिए मैं जानता हूँ। विकास मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और सीरियसली बहुत अच्छे सिंगर हैं, काफ़ी टाइम से 8-10 साल हो गए, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, वो मुझे मिले थे, मैंने उनको सुना, हालांकि पहले हमने सिर्फ एंजल का रिकॉर्ड किया था, बट जब विकास को सुना तो मुझे लगा कुछ नया हो सकता है, जैसे अगर आपने देखा ओरिजिनल वर्जन में सिर्फ आशा जी का गाना है, जब छाए तेरा जादू कोई मेल वॉइस नहीं है, तो हमने ये ऐड किया। इनफैक्ट मैं बताती हूँ वो जो लाइन है, तेरी आंखों में मेरी बाहों में, वो विकास ने खुद लिखी थी, उसने खुद गा के मुझे भेजा और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जब इसको शूट करने का टाइम आया तो मुझे लगा कि क्यों किसी और को क्रेडिट दें, हम विकास को ही क्यों ना इसमें रखें, क्योंकि गाने में भी आप देखिए एक नॉर्मल लड़का है जिसको अचानक एक लड़की दिखती है और उसके पीछे दीवाना, तो वो मेरे गाने के हिसाब से बहुत सूटेबल था। लास्टली पूछना चाहूंगा कि टैलेंटेड भी है, खूबसूरत भी, क्या करना चाहती है आगे, मतलब एक्ट्रेस बनना चाहती है, सिंगर में क्या? देखिए एंजल का तो सिंगिंग का ही है पूरा, बट इसको ऑफर आने लगे हैं अभी से, जिन्होंने वीडियो देखा उन्होंने कहा कि नहीं इसको एक्टिंग कीजिए, बट अभी देखिए छोटी है और इसको लगता है कि नहीं सिंगिंग इसके लिए परफेक्ट है, तो लेट्स सी। पढ़ाई वगैरह में कैसी है? पढ़ाई में अच्छी है, बहुत अच्छी, भगवान का मतलब मैं कहती हूँ ये गिफ्ट है मेरे लिए, इसीलिए इसका नाम एंजल है।